समा टीवी इस्लामाबाद में जश्न आज़ादी की तकरीब, चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली समेत दीगर पार्लियामेंटेरियंस ने शिरकत की। पाकिस्तान की सालगिरह का केक काटा गया। मौजूद मेहमानों ने समा को मोतबर न्यूज चैनल करार दिया। समा टीवी दफ्तर में मुनक्किदा जश्न आज़ादी की तकरीब में चेयरमैन सेनेट सादिक सिंजरानी, स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ, डेप्टी चेयरमैन सेनेट मिर्जा अफरीदी ने शिरकत की। सेनेटर तलहा महमूद, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा फयाजुल हसन चौहान समेत दीगर भी मौजूद थे। आईजी इस्लामाबाद अकबर नासिर खान ने भी तकरीब में शिरकत की। चेयरमैन सेनेट ने कहा, समा का तहे दिल से मशकूर हूँ कि जश्न आज़ादी पर इतना अच्छा प्रोग्राम मुनक्किद किया। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ का कहना था कि समा पाकिस्तान का मोतबर टीवी चैनल है जिस पर बतौर पाकिस्तानी हम फख्र करते हैं। जब से समा की मैनेजमेंट तब्दील हुई, इसकी कारकर्दगी में निखार आया है। पाकिस्तान की सालगिरह का केक काटा गया। मौजूद मेहमानों ने समा को मोतबर न्यूज चैनल करार दिया। समा टीवी दफ्तर में मुनक्किदा जश्न आज़ादी की तकरीब में चेयरमैन सेनेट सादिक सिंजरानी, स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ, डेप्टी चेयरमैन सेनेट मिर्जा अफरीदी ने शिरकत की। सेनेटर तलहा महमूद, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा फयाजुल हसन चौहान समेत दीगर भी मौजूद थे। आईजी इस्लामाबाद अकबर नासिर खान ने भी तकरीब में शिरकत की। चेयरमैन सेनेट ने कहा, समा का तहे दिल से मशकूर हूँ कि जश्न आज़ादी पर इतना अच्छा प्रोग्राम मुनक्किद किया। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ का कहना था कि समा पाकिस्तान का मोतबर टीवी चैनल है जिस पर बतौर पाकिस्तानी हम फख्र करते हैं। जब से समा की मैनेजमेंट तब्दील हुई, इसकी कारकर्दगी में निखार आया है।